जय श्री कृष्णा साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यादव सरकार में। आज हम बात करेंगे 2023 के सबसे तेज और पहला शतक लगाने वाले सूर्य कुमार यादव के बारे में। हिला डाला सूर्य दादा ने। भारत के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में ऐसा बवंडर मचाया कि दुनिया दांतों तले उंगली दबा बैठी। 147 शॉट खेल सूर्य ने T20 इंटरनेशनल में शानदार सेंचुरी ठोक कोहराम मचा दिया। सूर्य कुमार यादव ने जो कहा था वो कर दिखाया। दूसरे T20 मैच में ही दे दी थी चेतावनी। इंडिया वर्सेज श्रीलंका दूसरा T20 हारने के बाद सूर्य कुमार यादव ने ट्वीट कर बाउंस बैक करने की बात लिखी थी और राजकोट में उन्होंने वही किया। उन्होंने न केवल अपने T20 करियर का तीसरा शतक लगाया बल्कि टीम इंडिया को एक और सीरीज में जीत भी दिलाई। राजकोट में खेले गए तीसरे और डिसाइडर मैच में विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंका को पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन श्रीलंका की टीम इसे समझ नहीं पाई। दरअसल दूसरा T20 मैच 16 रन से हारने के बाद सूर्य कुमार यादव ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा था, ग्रेट फाइट टू नाइट और हम राजकोट में बाउंस बैक करेंगे। सूर्य ने जिस बाउंस बैक की बात की थी वह राजकोट में कर भी दिखाया। उन्होंने 51 गेंद पर 112 रन की पारी खेलकर न केवल टीम इंडिया की जीत की नींव रख दी बल्कि बता दिया कि अगर 2022 का साल उनके लिए अच्छा था तो 2023 बेहतरीन होगा, जिसकी शुरुआत उन्होंने राजकोट से कर दी है। उन्होंने अपनी इस पारी में 7 चौके और 9 छक्के लगाए। मैच के बाद सूर्य ने ट्विटर पर लिखा कि साल की सही शुरुआत, दूसरा सबसे तेज T20 तक। वह इस मैच में भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज तक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। सूर्य कुमार यादव ने सबसे ज्यादा रन समीका करुणा रत्ने के खिलाफ बनाए। उनकी 15 गेंदों पर सूर्य ने 34 रन बटोरे जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। दिलशान मधुसाका की 8 गेंदों पर 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 28 रन बटोरे। महेश तिक्षाना के खिलाफ 13 गेंदों पर 28 रन बनाए। वानिंदु हसरंगा की 11 गेंदों पर सूर्य ने 13 और कसुन रजिता की 4 गेंदों पर 9 रन बनाए। सूर्य यादव ने इस मुकाबले में 112 रनों की पारी खेली। उनकी ये पारी सिर्फ 51 गेंदों पर आई। सूर्य ने 45 गेंदों पर शतक पूरा किया था। यह भारत के लिए दूसरा सबसे तेज T20 शतक है। रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ ही 2017 में 35 गेंदों पर शतक जड़ दिया था। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी जिसमें सूर्य कुमार यादव के नाबाद 112 रन, शुभम गिल के 40 और राहुल त्रिपाठी के 16 गेंद पर 35 रन की पारी के दम पर 5 विकेट खोकर 228 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में श्रीलंका की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई और एक के बाद एक लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। नतीजा टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई और 120 गेंद पहले 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। युवाओं से भरी टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज को 2-1 से जीतकर साल 2023 की बेहतरीन शुरुआत की। अब सूर्य कुमार यादव के सिक्स के बारे में बताएंगे। सूर्य कुमार यादव के इस छक्के को अपने जोखिम पर ही ट्रायल करें। चर्चा का विषय बन गया अफलातूनी सिक्स। कहा जाता है कि सूर्य कुमार यादव की जगह दुनिया में अगर कोई दूसरा बल्लेबाज ऐसी हिम्मत करता तो एक बार को गेंद उसके हेलमेट पर ही लगती। आप सभी को पता है सूर्य कुमार यादव का छक्का चर्चा का विषय बन गया। ऐसे कौन छक्का मारता है भाई, गजब सूर्य गजब छक्के। यह सूर्य घसीटता कम मारता ज्यादा है। श्रीलंका के खिलाफ राजकोट में शनिवार को खेले गए सीरीज के आखिरी T20 मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम में जमा हुए करीब 25,000 से 30,000 दर्शक का पूरा पैसा सूर्य कुमार यादव ने वसूल करा दिया। सूर्य ने ऐसे बल्लेबाजी की जिसके लिए हर्षा भोगले तो यहाँ तक कह गए कि बहुत से बल्लेबाज ऐसी बल्लेबाजी अपने सपने में भी नहीं कर पाते। यादव ने चौके छक्के की ऐसी बरसात की जिसमें करोड़ों फैंस भीग कर आनंद के रस में गदगद हो गए। सूर्य कुमार यादव ने लंकाई गेंदबाजों को घसीटा कम और मारा ज्यादा की तर्ज पर 7 चौके और 9 छक्के जड़े। यादव ने अपने तीसरे T20 तक में 101 बढ़कर छक्का जड़ा, लेकिन एक छक्का तो ऐसा रहा जिसे जिसने भी देखा उसने दांत तले उंगली दबा ली और यह छक्का रहा उनकी पारी का तीसरा छक्का जो लंकाई फेसर मधुसाका के फेंके 13वें ओवर में आया। यह गेंद दूर से देखने में एक बार तो बीमर सी लगी। वास्तव में यह कौन बनाती हुई
ऑफ स्टंप के बाहर फ्लैट फुल टॉस जैसी गेंद थी, इसे सूर्य यादव ने आगे की ओर सफल करते हुए झुकते हुए कीपर के सर के ऊपर से छक्के के लिए बाहर पहुंचा दिया। तो क्रिकेट जगत अवाक रह गया। शॉट को फिनिश करते हुए सूर्य कुमार यादव क्रीज पर ही नहीं बल्कि साइड में पिच के भी बाहर चले गए और फिनिशिंग टच उन्होंने पलटी खाकर प्रदान किया। सच बताना, जब सूर्य यादव बैटिंग करने आते हैं तब कौन कौन अपने काम छोड़ देते हैं? हम तो सो काम छोड़ देते हैं। क्या आप भी अपने काम छोड़ते हैं?